कुमारी ने अपने श्रम से कला के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। इनमें से कुछ ऐसी देवियां हैं जो मानव जाति के लिए एक मिसाल बन गई है और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि समाज एवं समाज के बंधन उनके हाथों का महज एक रंग और कागज है। आज हम एक ऐसे ही हस्ती के बारे में जानेंगे। कहते हैं जब आप अपने काम को और अपनी कला को पसंद करते हैं तो आप स्वयं वो कला बन जाते हैं, यानी फिर आपको आपके पैशन से कोई अलग नहीं कर सकता। अंजोली इला मेनन कला के क्षेत्र में खुद की पहचान बनाने वाली यशस्वी इंडियन आर्टिस्ट। अंजोली इला मेनन का जन्म 1940 में बैंगलोर में हुआ। By the age of 15, when she left school, she had already sold few paintings. After few decades, she did her formal education in Sir J.J. Institute of Applied Art, Mumbai, and later earned a degree in English Literature from Delhi University. Later, then study in Paris and exposure to modern art movement in Europe greatly strengthened her paintings. During this time, she was drawn to the work of Modigliani and Indian painter M.F. Hussain and Amrita Shirke. उन्होंने दिल्ली में 1958 में at the age of 18 अपनी पहली solo exhibition लगाई थी with 53 paintings of variety of styles. और उस समय प्रसिद्ध समीक्षक रिचर्ड बर्थोलोम्यू, जो ललित कला एकेडमी के पूर्व सचिव थे, उन्होंने यह कहा था कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि जल्द ही यह प्रतिभाशाली युवा महिला हमारे बहुत अच्छे चित्रकारों के श्रेणी में शामिल हो जाएगी। ये शब्द वास्तव में भविष्यवाणी सिद्ध हुए। इन एडिशन टू ऑयल पेंटिंग्स एंड म्यूरल्स, Anjali Ila Menon also worked in several other mediums, including computer graphics and Murano glass. She is best known for her religious theme work, portraits, nudes that incorporated a vibrant shade of palette. Anjali Ila Menon ne apne visishta nude paintings ke saath Bharatiya kala ke kalatmak shabdakosh mein yogdan diya hai. अक्सर उनके चित्र एक सपनों की जादुई दुनिया का उल्लेख करते हैं, जहां हमेशा हमें रहस्यमय लोग, जानवर, पक्षी एवं कई बार तो छिपकली के साथ दिखाई देते हैं। साधारण वस्तुओं के चित्र जैसे कुर्सी, क्रो, खुली खिड़की, चित्र के भीतर के चित्र और सर्प इतनी बार दिखाए गए हैं कि वे उनके प्रतीक बन गए हैं। जैसे इस चित्र में जाली के पर्दे से झांक कर देखे तो यू विल सी अ चेयर इन अ डिसओरिएंटेड लैंडस्केप। द शियर विच इज विजिबल इज नीट एंड क्लीन विच शोज इम्प्रेशन ऑफ मैन लिविंग क्रोज बिहाइंड टू इन्वेस्टिगेट द रूइंस। सूनापन एक ऐसा गुण है जो मेनन के कई चित्रों में महसूस किया जा सकता है। अंजलि इला मेनन ने एक बार कहा था, मैं शायद ही चित्र बनाती हूँ, मैं रंगों से सोचती हूँ। जब मैं सपने देखती हूँ तो मुझे रंग दिखाई देते हैं। अंजलि मैरिड टू हर चाइल्डहुड लव राजा मेनन एन इंडियन नेवी ऑफिसर। शी हैज डन ओवर 35 सोलो शोज एंड मेनी ग्रुप शोज इन इंडिया एंड अब्रॉड। मेरा स्टूडियो निजामुद्दीन बस्ती के अंदर है और ये बस्ती एक गाँव है जो शहर के बीच में है, मगर वहाँ गांव का माहौल चलता है बिल्कुल, जैसे लोग खटिया के ऊपर बैठ के कपड़े सिल रहे हैं और बकरियाँ आती हैं, बकरी वाले होते हैं वो बस्ती में, तो अगर हमारा दरवाज़ा खुला रहे तो बकरी आके अंदर ड्राइंग्स खा लेते हैं। हम लोग को बहुत पेपर खाने का शौक है, मगर ये हमको वहाँ अच्छा बहुत सब्जेक्ट मैटर बहुत अच्छा मिलता है जो शहर में नहीं मिल सकता है। शहर उनकी महानता को सम्मानित करने के लिए सैन फ्रांसिस्को में एशियन आर्ट म्यूजियम ने 2006 में अकेले उनके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई थी।
जिसने 6 महीने की लंबी प्रदर्शनी में मेनन की त्रिफलक यात्रा मनाई थी। अंजलि ईला मेनन को पद्मश्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया और उनके चित्र NGMA पीबॉडी एक्सेस संग्रहालय, चंडीगढ़ संग्रहालय, एशियन आर्ट म्यूजियम, सैन फ्रांसिस्को, भारत और विदेशों में कई निजी संग्रहालयों के स्थायी संग्रहों में प्रदर्शित किए गए हैं।